मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में बढ़ते कोहरे के मद्देनजर रेलवे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी रुक सी गई है। लगातार ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन काम कर रहा है। कोहरे से निपटने के लिए सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और सभी रेलवे के कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे इस कोहरे में ट्रेनों का संचालन सावधानी के साथ करें। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सभी यात्रियों से रेलवे प्रशासन ने अपील भी की है कि सभी लोग स्टेशन पर ट्रेन का समय देख कर पहुंचे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर रेलवे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोहरे का ज्यादा प्रकोप रहता है। ऐसे में कोहरे से निपटने के लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं और सभी से सावधान रहने की अपील भी की गई है। उद्देश्य यही है कि ट्रेनों का संचालन ठीक ढंग से किया जा सके और कोहरे के कारण कोई समस्या खड़ी ना हो, सावधानी भी रखी जाए और रेल का संचालन भी ठीक ढंग से किया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है। देखिए, फॉग सेफ्टी डिवाइसेज हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से देना शुरू किया है, उससे ड्राइवर्स को सहूलियत हो जाती है। वो सिग्नल का एस्पेक्ट है वो उनको मिल जाता है, लेकिन बहुत डेंस फॉग होने पे ये फिर भी ट्रेन्स के जो परिचालन है उसमें बाधा पड़ती है। इसलिए हम लोगों को कुछ ट्रेन्स दिसंबर से लेके और फरवरी तक जब फॉग के महीने रहते हैं उस समय कुछ ट्रेन्स हमें कैंसिल करनी पड़ी।